हिंदू धर्म इसलिए खास है क्योंकि ये पेड़ पौधे पशु पक्षियों की पूजा का विधान नहीं करता, बल्कि हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में भी नहीं है उनके सम्मान का प्रयास करता है। वो भी एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 15 दिनों तक हम अपने बुजुर्गों को जो अब नहीं है उनके लिए भोजन तर्पण दान करते हैं, जिन्हें पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं और उनकी विदाई भी करते हैं। कल यानी अमावस्या तिथि को पितरों की विदाई है। ऐसी मान्यता है कि पितर यानी हमारे पूर्वज अपने परिजनों से अन्न जल की इच्छा रखते हैं। ऐसे में उन्हें तृप्त करने के लिए लोग उनके मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध पिंडदान और तर्पण करते हैं, पूर्वजों को अन्न जल से संतुष्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पितृ दोष दूर हो जाता है। पितृ विसर्जन से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं जिनका पालन करके आप अपने पितरों को खुशी खुशी विदा कर सकते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज भोजन से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपके पितरों को प्रसन्न करेंगी। पितृपक्ष में अगर आप पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का भोजन केले के पत्ते पर नहीं परोसा जाता। आप चांदी कांसे तांबे के बर्तनों में परोस सकते हैं, वहीं पत्तल पर भी भोजन परोसना शुभ माना जाता है। पितरों के श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय काले तिल का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि तिल पिशाचों से श्राद्ध भोजन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा श्राद्ध भोजन में गंगा जल शहद दूध का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। अगर पितरों के लिए श्राद्ध भोजन का आयोजन कर रहे हैं या फिर आपके घर में ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं और उसी समय आपके द्वार पर कोई भूखा या भिखारी भोजन की मांग करता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों की असीम कृपा मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में पितर किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। श्राद्ध का भोजन पितरों और ब्राह्मणों के लिए निकालने के साथ ही पशु पक्षियों को भी श्राद्ध का भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। पौराणिक मान्यता है कि पशु पक्षियों पर भगवान की कृपा होती है और किसी भी ऊर्जा को वे पहचान लेते हैं, इसलिए गाय कुत्ता बिल्ली कौवा को भी भोजन दिया जाए। पितर किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। पितरों की आत्मा के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पितरों का श्राद्ध सुबह या दोपहर के समय ही करें। श्राद्ध का भोजन कभी भी शाम या रात्रि के समय नहीं कराना चाहिए। मान्यता है कि शाम और रात्रि के समय भटकती अतृप्त आत्माएं विचरण के लिए निकलती हैं, इसलिए शाम और रात्रि के समय श्राद्ध भोजन कराना शुभ नहीं होता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की जाए तो पितर अपने संतानों को आशीर्वाद देकर अपने लोग खुशी खुशी विदा हो जाते हैं और पूरे साल भर पितरों की कृपा हमें मिलती है। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते सुनते रहें laluram.com।